तो गाइस ये देखिए, ये है गोवर्धन पर्वत। तो भाई अभी मिले, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। तो यहाँ सारे भक्तों को चाय दी जा रही है। राधे राधे भाई जी। अंकल आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं? चलिए फिर राधे राधे। भैया हमारे बहुत थक चुके हैं। मैं बोल रहा हूँ श्री श्याम का नाम लो, बस चल दो, कोई बात नहीं, वो खुद ही पावर देंगे। यहाँ तक लाए हैं, बुलाया है तो चलने की हिम्मत भी देंगे। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। चलिए यार चलते हैं यार। मंगला आरती अनफॉर्चुनेटली नहीं देख पाएंगे क्योंकि बाकी सब हैं। वो लोग कह रहे हैं कि यार और लेट हो जाएंगे क्योंकि अभी आधा घंटा है आरती होने में, तो आधे घंटे में तो हम काफी आगे चले जाएंगे। तो अब हम पर्वत के पास में ही चलेंगे, तो शायद अब पर्वत दिख जाए क्योंकि दिन होने वाला है और हम अंदर ही अंदर जंगल वाले रास्ते से ही जा रहे हैं। यहाँ पे इस रास्ते में पहली बार जा रहा हूँ, तो चलिए दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखिए, ये है गोवर्धन पर्वत। सामने कितना प्यारा चंद्रमा लग रहा है। तो बस यही है, अभी धीरे धीरे और दिन होगा तो और क्लियर दिखेगा। तो गाइस यहाँ से कच्चा रास्ता स्टार्ट होता है जंगल वाला। अच्छा यही है। ओ हो हो, अच्छा ये सड़क पे। हाँ ये सड़क पे जाएगा भाई। तो अपने इधर चलो ना, लाइट जलाओ फिर। चलो चलो अब यहाँ चलते हैं। इधर से चल रहे हैं कच्चा, आओ यार। तो गाइस अब जिस रास्ते से जा रहे हैं ना, वही है असली परिक्रमा। ये देखिए सामने, ठीक है, रोड से तो सब जाते हैं, इस रास्ते से बहुत कम लोग जाते हैं। फिलहाल सामने तो कोई भी नहीं दिख रहा है, बट हम लोग जाएंगे। चलिए चलते हैं अंदर। तो गाइस जंगल वाले रास्ते पे जाना है कैंसिल हो गया क्योंकि भाई बहुत अंधेरा और कोई भी नहीं जाना चाह रहा। मतलब जितने भी लोग आ रहे हैं सब सामने जा रहे हैं, ये फिर से उसी रोड पे जाके निकल जाएगी। तो यार कभी दिन में आएंगे तो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यार अभी तो सबकी हवा सी खराब हो गई इस रास्ते को देख के। तो चलिए चलते हैं। कहाँ से हो भाई आप? भैया झालावाड़ से। अच्छा राजस्थान से। तो भाई अभी मिले, इन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, तो चलिए व्लॉग देखना आप, ठीक है। हाँ से काफी अच्छा लगा, ऐसे अभी काफी लोग मिल चुके हैं पीछे, तो भाई रोज देखना, ठीक है, फैमिली व्लॉग से सबको दिखाना, आंटी को अंकल को सबको। चलिए राधे 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 राधे। चलिए चलते हैं, आ गए हम लोग फिर से उसी रोड पे, मेन वाली पे चलते हैं और पूरी करते हैं परिक्रमा। फिलहाल अभी कौन सा पोल चल रहा है? अभी चल रहा है 116 यार, अभी तो 200 हो गए थे, पता नहीं पोल्स में थोड़ी दिक्कत है शायद, अभी तो 200 कंप्लीट हो गए थे, पता नहीं। चलिए जो भी है कर रहे हैं कंप्लीट, दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ सारे भक्तों को चाय दी जा रही है। राधे राधे भाई जी। चलिए चाय पीते हैं और फिर चलते हैं आगे। अभी 12 किलोमीटर और रह गए हैं, 9 किलोमीटर हम लोग पूरा कर चुके हैं और पोल नंबर है ये 258। अभी तो 12 रह गया, तो अभी 12 है, 9 ही किया है कंप्लीट, और हम लोग चले थे करीब 2:30 बजे के आसपास और टाइम हो रहा है अभी 4:45। तो देख लीजिए भाई, शायद 7 या 8 बजे तक कम्प्लीट हो पाएगी ये। कोई नहीं कर रहे हैं, थकान ऐसी कोई लग नहीं रही है, और भाई जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना वैसे वैसे मजा आता जा रहा है। मतलब ना हर चीज में यार श्री कृष्ण बहुत अच्छा लग रहा है यार, जबकि आज भीड़ भी नहीं है। मैं लास्ट टाइम जब मैंने पैदल की थी तब काफी भीड़ थी, तब भी मैंने रात में की थी, इस बार इतनी भीड़ नहीं है, जो वीकेंड के हिसाब से उतनी भीड़ नहीं है जितनी होती है, बट मजा पूरा आ रहा है भाई। चलिए चलते हैं कृष्ण का नाम ले लेके। क्यों या थकना नहीं है, रुकना नहीं है, करनी है बिना रुके, चल तो रहे, बस राधे राधे कहिए, अपने आप पावर आएगी। राधे राधे माता। ये पत्थर रखे हुए किस लिए? ये पत्थर लोग आस्था का प्रतीक है, सब ये गोवर्धन जी का प्रतीक मानते हैं। तो गाइस हम लोगों ने यहाँ पर गोवर्धन की दो परिक्रमा होती हैं, मतलब जो टोटल वो है 21 किलोमीटर की, उसमें 11 किलोमीटर की बड़ी परिक्रमा है और 10 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा है। तो हम लोगों ने बड़ी परिक्रमा जो 11 किलोमीटर की है वो पूरी कर ली है। ये देखिए सामने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है, छोटी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ। तो चलिए पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, 5-10 मिनट बाद फिर निकलेंगे छोटी परिक्रमा के लिए। चलिए राधे राधे। तो गाइस हमने छोटी परिक्रमा भी स्टार्ट कर दी है और ये देखिए कुछ ऐसी गलियों में अभी पूरी परिक्रमा होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की जो मेन परिक्रमा है वो बड़ी परिक्रमा कहते हैं उसको, वो तो हमने कम्प्लीट कर ली है। अब ये राधा कुंड के लिए परिक्रमा होती है और फिर लास्ट में हम मानसी गंगा में पहुंचेंगे, वहां पर लोग कुछ लोग नहाते धोते भी हैं, वहां पर छोटी परिक्रमा खत्म हो जाती है। तो चलिए चलते हैं, राधे राधे। तो गाइस थोड़ा थोड़ा दिन निकलने लगा है और अभी 8 किलोमीटर और रह गया है, तो बस अब चल रहे हैं। अब थोड़ा थोड़ा ना पैर की उंगलियों में दर्द हो रहा है हल्का फुल्का, बाकी तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है, रुक रुक के चल रहे हैं, बट पैर की उंगलियां थोड़ी सी जवाब दे रही हैं, बट कोई नहीं, श्री कृष्ण चला रहे हैं अब तो हम चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे और पहुंचेंगे राधा कुंड। राधे राधे। ये लाओ, ये पंजे पे, पंजे खाली। तो भैया बता रहे हैं कि पैर का दर्द कैसे मिटाएं 2 सेकंड में। क्या करूँ,
ओ भाई मसाज मिल रही है आपको, सारा दर्द गायब हुआ नहीं? मजा आ रहा है, सही है, मजा ही लेने आयो, वही मिल रहा है। तो गाइज आपको जन्नत दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सीन है मेरे आंखों के सामने। और रहा ये देख रहे हैं फूल दूर दूर तक, किस चीज के फूल है ये? जबरदस्त, कितना प्यारा लग रहा है यार दूर दूर तक बस। तो गाइज ये देखिए, ये श्री कृष्ण के भक्त दंड बैठक कर रहे हैं और मान्यता ये है कि 108 बार दंड बैठक करने से कोई भी मनोकामना पूरी हो जाती है। लोग करते हैं भाई, लोग सालों करते हैं ये भाई। कितनी बड़ी है, मतलब यार आपने देख ही लिया होगा कितनी बड़ी है परिक्रमा। और हम लोग कब चले थे? 1:30 बजे करीब चले थे और अभी 7:30-8 बजने वाला है और अभी हमारी पूरी नहीं हुई है। सोचिए दंड बैठक करने में कितना टाइम लगता होगा। वो तो अपनी अपनी मर्जी है, कोई कुछ करता है। तो बोली हुई होती कि इतनी बार करूंगा, फिलहाल 108 की तो है। हाँ ये बोला था, कुछ लोग ज्यादा भी करते हैं, तो अपनी अपनी श्रद्धा करते जितने हो। वही तो, कुछ लोग पूरे रास्ते की करते हैं कि हाँ कि जब तक खत्म नहीं होगी परिक्रमा तब तक करते रहेंगे। तो आई थिंक इनकी वही वाली है। और ये मेरे ख्याल से काफी टाइम पहले चले होंगे, महीनों पहले हो। महीना यही है यार भगवान की भक्ति, कण कण में श्री कृष्ण है यार। मजा आ गया, मतलब ये फील मुझे कभी नहीं हुआ। मैं काफी बार आ चुका हूँ परिक्रमा करने, एक बार पैदल भी की थी और दोस्तों के साथ आया था तब भी, बट इतना वो चीज नहीं जो इस बार, पता नहीं क्यों बहुत अलग फीलिंग, बहुत ज्यादा अलग फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, वजह नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। और वो थकान ही नहीं हो रही है, मतलब जब मैं लास्ट टाइम आया था हालत खराब हो गई थी, बट इस बार कुछ फील इतना फील नहीं हो रहा है। थोड़ा पैर में दर्द है हल्का सा, लग रहा है कि अब कर लेंगे। चलिए कोई नहीं, चलते हैं राधा कुंड, आने ही वाला है और दिखाते हैं आपको। तो भाई जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अभी हमने 15 किलोमीटर अपने पूरे कर लिए, अब बचे हुए लास्ट 6 किलोमीटर रह गए हैं और राधा कुंड यहाँ से 1 किलोमीटर है बस। अब पहुँचने वाले हैं बहुत जल्द श्री राधा रानी के दरबार में। ओ हो, अंकल आप स्टार्टिंग से कर रहे हैं? तो कितना टाइम हो गया? कल सुबह से स्टार्ट किया था। चलिए फिर राधे राधे। तो गाइस हम लोग फाइनली आ गए हैं राधा कुंड, ये देखिए कुछ ऐसा नजारा है।